जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद के प्रभारी मंत्री इंद्र कुमार नंदी जी, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पूज्य महाराज श्री के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, प्रबंध मंडल, विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, सम्मानित अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण, अष्टम दीक्षांत समारोह के अवसर पर जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के सभी विश्वविद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं का हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं उन सबके प्रति देता हूं। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत गौरवशाली दिन है। चित्रकूट की अपनी महिमा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनके संकट के समय शरण देने वाली चित्रकूट की भूमि, सनातन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का वाहक रही है। ऋषि मुनियों की साधना से यह पूरी धरती अत्यंत समृद्ध बन रही है। इसलिए अत्यंत प्राचीन काल से ही इसकी अपनी महत्व है। और आज जब इस विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह में हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, तो मुझे यह कहते हुए अत्यंत मैं आह्लादित हूं कि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने अपने 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर हिंदी का गौरवशाली पुरस्कार हिंदी भूषण के रूप में आज सम्मानित किया है और स्वयं इस मंच पर आज उनका सम्मान हुआ है। हम सब जानते हैं साहित्य साधना के लिए पूज्य स्वामी जी का जो अप्रतिम योगदान है वह अत्यंत ही अभिनंदनीय है और इसलिए आज हिंदी जगत ने उनका अभिनंदन किया है, वंदन किया है और साहित्य सेवा में उनका मार्गदर्शन, उनका योगदान अनंत काल तक प्राप्त होता रहे, यही कामना मैं आज के इस अवसर पर करता हूं। अभिनंदन स्वरूप उन्हें यहां पर ताम्र पत्रिका भी उपलब्ध कराई गई है और अभिनंदन स्वरूप अंग वस्त्र के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दी जाने वाली राशि है वह भी पूज्य स्वामी जी महाराज को यहां पर अर्पित की गई है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वस्थ और दीर्घ जीवन यहां पे दीर्घायु को प्राप्त होकर के न केवल दिव्यांग जनों के लिए अपितु संपूर्ण समाज को अपना मार्गदर्शन इसी रूप में प्रदान करते रहें, यही मैं प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं। आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी को उपस्थित होना था। प्रातःकाल ही उन्हें दिल्ली से चलना था लेकिन दिल्ली में मौसम बहुत खराब है, वहां पर
ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहां से हवाई जहाज उड़ सके, और यही स्थिति लखनऊ में भी थी। लखनऊ में थोड़े बहुत अंतर आया था, लेकिन दिल्ली में लगभग 12:30 बजे तक विजिबिलिटी एकदम जीरो थी, जिसके कारण वे आज इस समारोह में नहीं आ पाए। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की ओर से इन सभी उपाधि धारण करने वाले छात्र छात्राओं को भी हृदय से बधाई देता हूं। इन सब के प्रति इनका अभिनंदन करते हुए उनकी ओर से भी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि एक संत लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, और उसका संतत्व तो देखना है तो लोक कल्याण के प्रति उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान, उस संत की ईश्वर के प्रति सही श्रद्धा और उसकी निष्ठा को व्यक्त करता है। देश और दुनिया के दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना उनके जीवन में एक नया ओज और एक नया तेज भरने का एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, अविस्मरणीय कार्य हुआ है। मैं इसके लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सचमुच जब हम अष्टम दीक्षांत समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं और इस विश्वविद्यालय से उपाधि धारण करने वाले और अपने अपने विषय में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के पदक प्राप्त यहां प्रदान किए गए हैं, तो ये हमें प्राचीन भारत की गुरुकुल की प्रणाली को स्मरण करा देती है। ये गुरुकुल की प्रणाली भी भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा ही प्रदत्त प्रणाली है, और आज वही दृश्य हम सब इस चित्रकूट की भूमि पर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के कारण देखने को मिल रहा है, और वह भी उन लोगों के लिए जिन्हें समाज उपेक्षित कर देता था, जिनके प्रति समाज का दृष्टिकोण कुछ अलग हो गया था, लेकिन पूज्य स्वामी जिन्हें अपनी दिव्यांगता के बावजूद कभी भी अपनी प्रगति में दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया, और जो यहां पर पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज कह रहे थे कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, वह भाव उन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने यहां पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से देश और दुनिया के सामने साबित भी किया है। और यह हर कालखंड में देखने को मिला है। वास्तव में अयोग्यो पुरुषो नास्ति, अभी इस समारोह के पूर्व मुझे यहां पर अष्टवक्र सभागार का लोकार्पण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। वह भी भारत के एक महान ऋषि थे, दिव्यांगता व्यक्ति की प्रगति में और उसकी प्रतिभा में कभी आड़े नहीं आती, वसरते उसको एक सही योजक मिल जाए, और यह कार्य हर कालखंड में हुआ है, हमने हर बार देखा है। ब्रज क्षेत्र में आप जाइए, सूरदास की रचनाओं से कौन व्यक्ति विभूत नहीं हो पाता है, कौन नहीं जानता है। इसी प्रकार से आपने आधुनिक भारत के, आधुनिक विश्व के प्रख्यात भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग की के बारे में सुना होगा। दुनिया के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को, यानी अष्टावक्र का एक नया रूप था स्टीफन हॉकिंग, और जन्म से ही वह ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे कि जिस बीमारी के कारण न उनको सुनाई देता था, न वो बोल पाते थे, न चल पाते थे, और अगर उन्हें कहीं भी, यानी कोई क्षण उसका ऐसा नहीं था कि जहां पर उनके शरीर में इतना दर्द होता था, इतना पेन होता था
कि वे कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत नहीं की और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जितना सटीक जानकारी आधुनिक भौतिक विदों में स्टीफन हॉकिंग ने की है वो अद्भुत है और मुझे लगता है दिव्यांग जनों के सामने एक उदाहरण भी है। आज के इस अवसर पर जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं यहां पर कुलपति महोदय के द्वारा जब यहां पर दीक्षांत उपदेश दिया जा रहा था उस समय मैंने जिन शब्दों का उच्चारण किया था भारत की गुरुकुल की परंपरा तैतरीय उपनिषद के उन शब्दों को किस रूप में व्यक्त करता है, मुझे लगता है कि भारत की शिक्षा के पूरे सार को और उनसे प्राप्त होने वाले संस्कारों को और फिर उससे प्राप्त होने वाले समाज और राष्ट्र को योग्य नागरिकों की एक श्रृंखला को भी हम सबके सामने खड़ा कर देता है। अगर हमने तैतरीय उपनिषद के इन वचनों को आत्मसात करने का प्रयास किया होता, हमारे शिक्षण संस्थानों ने किया होता, तो मुझे लगता है कम से कम भारत के अंदर तो शिक्षण संस्थाओं को महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को दुनिया के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कोई बाधा नहीं आती और हमारे ये उच्च शिक्षा के संस्थान अराजकता और अव्यवस्था के अड्डे नहीं बनते। हम सबके लिए सोचने प्रश्न है कि जब हम सत्यम वदः धर्मम चरः की बात करते हैं, हमने दीक्षांत उपदेश कुलपति जी के मुंह से इन्हीं शब्दों में सुना कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में कभी प्रमाद न करना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में प्रमाद न करना, देवता और पितरों के कार्य यानी यज्ञ और श्राद्ध आदि में से प्रमाद न करना, माता को देवता समझना यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव जैसे अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना, ये सभी कुछ किसी भी नागरिक को महानता बनने के वे संस्कार हैं जो हमारे गुरुकुलों में, हमारे शिक्षण संस्थानों में, हमारे महाविद्यालयों में और हमारे विश्वविद्यालयों में दिए जाने चाहिए थे। और आप सब सौभाग्यशाली हैं, एक संत और आधुनिक ऋषि के रूप में जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो रहा है उन सबको इसे अपना जीवन का सौभाग्य समझना चाहिए कि एक उस ऋषि जो स्वयं प्रज्ञाचक्षु लेकिन उन्होंने कभी इसको अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दी और निरंतर दो ही कार्य, आखिर एक मनुष्य के अंदर मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, पहले मनुष्य बनना और मनुष्य के बाद देवत्व की स्थिति को प्राप्त करना, नर को नारायण बनाने की प्रक्रिया ही भारत की प्रक्रिया है जो भारत के गुरुकुलों से निकलती रही है और ये प्रक्रिया यहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के सानिध्य में आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी इस विश्वविद्यालय के सानिध्य में इस प्रकार की शिक्षा को अर्जित कर रहे हैं और सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रभु राम के चरणों में अपनी कथा को समर्पित करते हुए देश और दुनिया में निरंतर केवल और केवल एक लक्ष्य को लेकर के, मैं इस बात को देखता था और दूसरे तीसरे महीने पूज्य महाराज जी का फोन मेरे पास आता था कि भैया बताओ राम जन्मभूमि का फैसला कब हो रहा है। मैं देख के ताजुब करता हूं, कह रहा महाराज हो रहा है, कहा नहीं मैं अपने सामने ही देखना चाहता हूं कि फैसला आ जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या भाव है मैं देखता हूं आज के समय में जब हर व्यक्ति अपने लिए सोच रहा है, अपने परिवार के लिए सोच रहा है,
केवल और केवल मैं और मेरा परिवार, इससे बाहर उसके दृष्टि ही नहीं है। तब जगत पिता भगवान राम के बारे में कोई व्यक्ति सोच रहा हो तो वह केवल जगत गुरु नामानंदाचार्य ही हो सकते हैं। और यह कार्य मैं अक्सर देखता था। मैं जब भी यहां तथा मैं कहता महाराज बताइए कोई बात, कहा नहीं भाई केवल मुझे भैया एक बात बता दो कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कहता था जरूर बनेगा, अवश्य बनेगा, आप सबकी साधना है, हमारे पूज्य संतों की जो साधना है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, और इसलिए हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और हम सबको इस बारे में मानना चाहिए कि कितना बड़ा निर्णय 9 नवंबर को आया है जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का 500 वर्षों के बाद वो मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन पूज्य संतों का ही सामर्थ्य है, इन्हीं की कृपा है, इनका संघर्ष है, और साथ साथ देश के अंदर एक ऐसा वातावरण दे देना जिस वातावरण ने दिव्यांग जनों के अंदर भी एक नया भाव पैदा किया है। आप सब जानते हैं पहले हम विकलांग बोलते थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं उसके अंदर भी प्रतिभा है, अब उसको विकलांग नहीं बोल सकते, वो दिव्यांग है, उसकी दिव्य ओज और तेज से देश और समाज को दुनिया को लाभान्वित होने का पूरा अधिकार है, इसलिए उन्हें अवसर को उन्होंने अनेक प्रकार से इस मामले में कार्य करना प्रारंभ किया और प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज अनिवार्य रूप से कर दिया गया कि दिव्यांग जनों की अलग अलग श्रेणी से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को शासकीय सेवा में नौकरी करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश और देश के अंदर हर प्रकार की दिव्यांगता से जिन्हें ये कार्य जिन्हें ये हुआ है उन्होंने इसके लिए अनिवार्य किया है। भवनों में जाने के लिए उनके लिए रैंप अनिवार्य रूप से बनाई जाए, उनके लिए उपकरण देने की व्यवस्था दिव्यांग जन कल्याण विभाग भारत सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी उनके लिए अलग अलग प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करता है, अलग अलग प्रकार से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। और यही कार्य फिर प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी किया है कि शासकीय सेवा में उनका योग्य प्रतिनिधित्व हो सके और उनके अनुरूप उन्हें सेवा का अवसर पूरा भरपूर मिल सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया। साथ साथ दिव्यांग जनों के पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी करने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया है और आगे भी इन कार्यक्रमों को एक निरंतरता प्रदान करने के सामने हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है यहां पर पूज्य महाराज के सानिध्य में ये जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ ये पहले उत्तर प्रदेश सरकार के IT विभाग ने